आज के इसी वीडियो में बात करेंगे कि इंस्टाग्राम पर कोई फोटो को अपलोड कर दिया है या कोई फोटो को पोस्ट कर दिया है, हम उसको डिलीट कैसे कर सकते हैं। हम किसी भी फोटो को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं तो किस प्रकार कर सकते हैं। तो दोस्तों, आप भी जानना चाहते हो कि इंस्टाग्राम पर फोटो को परमानेंटली डिलीट कैसे कर सकते हैं, तो इस वीडियो को एंड तक देख लेना, आपको भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को शुरू करने से पहले, अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब तो सब्सक्राइब कर देना, और आपको पास बेल आइकन घंटी दिखाई दे रही, उस घंटी को ऑल पर प्रेस कर देना। उसके बाद गाइस, आपको इंस्टाग्राम को ओपन कर लेना, और गाइस आप अपनी प्रोफाइल पे क्लिक कर लेना। जैसे अपनी प्रोफाइल पे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स, आप जिस भी फोटो को डिलीट करना चाहते हो तो उस पर क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा दे रहा कोने में कोने थ्री डॉट का आइकन, उस पर टैप कर लेना। जैसे टैप करोगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा दे रहा डिलीट का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पे जो फोटो होगा वो डिलीट हो जाएगा। तो गाइस, आप अपने मोबाइल में फोटो को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा जा रहा कोने में कोने थ्री डॉट का आइकन, उस पर आपको क्लिक कर लेना। और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा जा रहा योर एक्टिविटी, उस पर आपको क्लिक कर लेना। उसके बाद गाइस, आपको नीचे इंटरफेस कर लेना, और फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखा जा रहा रिसेंट डिलीट, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे उस पर क्लिक करो तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है ये फोटो यहाँ पर आ चुका है, ये परमानेंट डिलीट नहीं हुआ। तो गाइस, आपको यहाँ पर फिर से फोटो पर टैप कर, जैसे दोस्तों आप फिर से फोटो पर टैप करोगे तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा कोने में कोने थ्री डॉट का आइकन, उस पर क्लिक कर लेना। तो फ्रेंड्स, आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा डिलीट, उस पर आपको क्लिक कर लेना। जैसे क्लिक करोगे तो गाइस, आपको फोटो होगा वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगा। तो दोस्तों, आप भी इंस्टाग्राम में फोटो को परमानेंट डिलीट करना चाहते हो तो इस प्रकार कर सकते हो। तो चलिए गाइस, ये वीडियो आपको यूजफुल लगी तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना, और फ्रेंड्स से वीडियो कैसी लगी वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर जरूर कर देना। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।